वो सोच रहे होंगे कि ये नॉलेज से हमारा डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट कि ये नॉलेज से हमारे रोज की परेशानियां कैसे सॉल्व होगी। सबसे बड़ी परेशानी है हमारे लिए मृत्यु, और अभी जो चल रहा है सिचुएशन उसको देख के सबके दिल में डर है मृत्यु का। लेकिन जब हम समझते हैं ये सारे नॉलेज से कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, और फाइनली तो हम भगवान के बच्चे हैं और हमको भगवान के पास ही पहुंचना है, हम सिर्फ अर्थ पे सीखने आए हैं, तो वो डर ही चला जाता है। मृत्यु का डर तब होता है जब लगता है सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या खोएंगे, किसको खोएंगे? बस एक रोल प्ले करने आए हैं हम। जैसे पर्दा गिर गया, एवरीथिंग इज ओवर। जब तक कॉस्ट्यूम में है तब तक हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के माँ का रोल, किसी के बीवी का रोल, किसी के लवर का रोल, बस जब तक कॉस्ट्यूम में है। ये कॉस्ट्यूम हमारा शरीर है, जैसे शरीर खत्म, रोल खत्म, पर्दा गिर जाएगा नाटक का। तो हम जो इतने सारे चीजों में परेशान रहते हैं, वो मोह के वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ ओन करना चाहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी जॉब, ये मेरी कार, ये मेरी बीवी, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा बच्चा। ये सबसे अगर हम ऊपर वाइब्रेट करें, ये सब है लोअर वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे रहती है। अगर हम ऊपर वाइब्रेट करें तो ये हम सेम इंसान हर फ्रंट पे बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मतलब हम अपने जॉब में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पर भी हमें रखा जाएगा हम इतने अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन इंप्रूव हो गई। ये अगर हमने समझ लिया तब जाके हम ये पूरे नॉलेज का सही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अदरवाइज राधा माँ के बारे में सुनकर किसी को भी अच्छा लगेगा, पर राधा माँ के बारे में क्यों सुनना है? राधा जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्स डिपेंड करती है, उनकी लाइफ कैसी थी? उनकी शादी जिससे हो गई थी उससे उनसे वो प्रेम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप के सुख के कारण उनको शादी करनी पड़ी कि वो माँ बाप को परेशानी ना हो, क्योंकि अदरवाइज उनके माँ बाप को वन में चला जाना पड़ता था। कुछ शर्तें ऐसी हुई थी, तो शी मेड अ सैक्रिफाइस। राधा हमेशा से कृष्णा से ही प्रेम करती थी। जब उनकी शादी हुई उसके बाद उनकी मदर इन लॉ और हस्बैंड उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनको बहुत परेशान करते थे, उनको सारा काम करना पड़ता था घर का, सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। वो एक चुटकी बजाने से सारा सारा सीन चेंज हो सकता था, बट शी डिड नॉट वॉन्ट दैट, क्योंकि वो सिखाने आई थी। राधा कृष्ण अर्थ पे सिखाने आए, उन्हें कोई गरज नहीं है, लेकिन वो हमें सिखाने आए कि वी कैन वाइब्रेट एट अ हायर लेवल, तब हमें ये डे टू डे परेशानियां अफेक्ट ही नहीं करेगी। आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जब आप एकदम हाई वाइब्रेट करते हो, मतलब आपने अगर कोई भगवद गीता सेशन सुना हो या कोई एसपी पोस्ट पढ़ा हो या मेरे साथ डिस्कशन हुआ हो, व्हाटएवर, जब आप हाई वाइब्रेट करते हो तब आपकी लाइफ की परेशानियां आपको उतनी बड़ी परेशानियां नहीं लगती। यही जब आप लो वाइब्रेट करते हो आपको छोटी सी छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगती है। ये सारे नॉलेज से हमें सीखने को मिलता है कि अगर राधा बींग द पावर हाउस ऑफ कृष्णा हु इज द क्रिएटर, अगर सारे परेशानियां झेलकर भी स्माइल कर सकती हैं, कृष्णा से दूर रहकर भी स्माइल कर सकती हैं, कृष्णा को हमेशा फील करते हुए, तो हम लोग जो कृष्णा से दूर हैं हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं, हमें सिर्फ कृष्णा को ही तो याद करना है, राधा जैसे। जब हम ये सीख लेंगे कि कृष्णा को राधा जैसे प्रेम करना, हमें लाइफ की कोई भी परेशानी अफेक्ट नहीं करेगी। तब हमें इतनी हिम्मत रहेगी कि हम हर एक चुनौती को फेस कर सकेंगे। दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट। ये इसीलिए हम ये नॉलेज सीख कर रहे हैं। अगर आपके बॉस आपको रोज गाली देते हैं, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन आपके दिमाग में है
कि अगर राधा माँ भी सारे परेशानियों के बाद और कृष्णा उनको मिले भी नहीं, अगर ये सब के बाद कृष्णा मिल भी जाते तो भी हम कुछ समझते। कृष्णा मिले भी नहीं, फिर भी वो मुस्कुराते हुए सिर्फ कृष्णा का नाम लेकर उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार कर लिया, सिर्फ हमको सिखाने के लिए कि प्रेम क्या होता है। वो प्रेम सिखाने आए थे राधा कृष्ण, कि प्रेम क्या होता है, पाना पाने को प्रेम नहीं कहते। तो हम क्यों नहीं ये चीज झेल सकते हैं, हम क्यों नहीं इसके बावजूद भी, वाई कांट वी वाइब्रेट लव, वाई कांट वी बी लव। इतना मुश्किल तो नहीं है टू बी लव। जो भी आपके सामने है उन्हें सिर्फ प्यार ही तो देना है और एक्सपेक्ट नहीं करना इन रिटर्न, क्योंकि सब लोग तो वाइब्रेट लव नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे तो हम भी ना करें, ये तो सही बात नहीं है। अगर हम अपने वाइब्रेशंस हाई रखते हैं हम हैप्पी रहते हैं, और हैप्पी तभी रह सकते हैं जब हम मोह से बाहर हों, जब हम प्रेम में हों। तो तब हमको सामने वाले के एक्शंस, लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस कुछ भी मैटर नहीं करते। जब तक आप राधा माँ के बारे में सुन रहे थे आपको याद आया कि बाहर कोरोना वायरस का इतना महामारी फैला है, वो पर्टिकुलर मिनट्स में याद आया आपको? नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस इज द वाइब्रेशन, इट इज सो हाई कि बाकी परेशानियां छू नहीं सकती। तो क्यों ना हम ये 24/7 ये वाइब्रेशन को मेंटेन करें? क्यों हम सकेंड हो जाते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम फिर से वही परेशानियों में घुस जाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं अच्छा हो रहा, मेरे साथ वो नहीं अच्छा हो रहा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारी चॉइस। हम क्या चूज कर रहे हैं अपने आप को फीड करने के लिए? हम ये राधा कृष्णा के प्रेम का नॉलेज अपने आप को फीड कर रहे हैं, या हम लो क्वालिटी का टीवी में जो भी दिखाया जाता है उसको हम फीड कर रहे हैं अपने अंदर, जिससे सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है, पेन बढ़ता है। मेरा काम है ये हाई लेवल के नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन कैसे लाइफ में करना वो सिखाना, इन अ सिंप्लीफाइड वे। सो सुबह सुबह अगर आप ये सब सुनने लगो, आप एकदम माय दिल गोज ऐसे मोड में रहोगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी मेड नहीं आई, आपके घर में लाइट नहीं है, या आपके घर में चूहा कूद रहा है, या और भी कोई इशू। पर आप अगर चिड़चिड़े मूड में रहो, आप सबके पास, सबके तरफ सिर्फ नेगेटिव बॉल भेजोगे और आपको नेगेटिव बॉल ही वापस मिलेगा, और आप बोलोगे मेरा भाग्य ही खराब है। भाग्य हमारे हाथ में है, हमारे आज का एक्शन हमारा कल का भाग्य बनाता है। और आज आई चूज टू वाइब्रेट इन लव, इन पॉजिटिविटी, एंड इट इज सिंपल। आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है प्यार करने के लिए, कृष्णा से प्यार करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कृष्णा आपको बोलते भी नहीं कि मुझ मेरे लिए ये करो वो करो। आपको कृष्णा से प्यार करना है तो राधा माँ के जैसे प्यार करो। जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिचुएशन आ रही है, उसको बोलो कृष्णा प्रसादम है, ये कृष्णा प्रसादम है। कृष्णा ने कुछ सोच के ही मेरे लिए सैंक्शन किया होगा। ही मस्ट हैव ट्राइड कि मुझे दुख ना मिले, क्योंकि मैं तो उन्हीं का बच्चा हूं। दिस एक्सेप्टेंस एंड स्टिल रेडिएटिंग लव इज वॉट इज बींग टॉट बाय राधा कृष्णा। मुझे लगता है ये, हम तो ये, मैं तो इस बारे में पूरा दिन ही बक बक करूंगी, बट लेट्स कर्टेल इट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आनंदिता, ओवर टू यू। कर रहे हैं तो क्यों ना और लोग जुड़े इसके साथ और बेनिफिट उनको मिले। और फीडबैक्स में भी आप देख रहे हो कितने लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो रही है, उनकी लाइफ में कितना पेन था वो निकल जा रहा है। सो इफ इट इज अ गुड थिंग, क्यों हम जज करें? हम क्यों ऑडियोज या लिंक भेजने से पहले सोचें? जो सोचेगा वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा ना, वो सोचेगा रूपाली कितना बोर करती है सेशंस में। वो इतना ही बोलेगा ना, मुझे नहीं पसंद रूपाली का सेशन, मुझे नहीं पसंद उसके ऑडियोज, मुझे नहीं पसंद उसके पोस्ट, इतना ही बोलेगा ना। आपको थोड़ी बुरा बोलेगा, आपको बोलेगा हाँ तूने जो भेजा था ठीक है पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैक्सिमम वो इतना ही कहेगा।
सो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो फिर आप लोगों को क्यों फर्क पड़ रहा है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उखली में सर डाला तो मुसल के मार से क्या डरना। मैंने उखली में सर डाल दिया है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं भगवान कृष्णा का नाम स्प्रेड करूंगी, मैं लोगों की जिंदगी से दुख हटाने की कोशिश करूंगी जितनी मेरी काबिलियत है, मेरी इतनी ही काबिलियत है, इससे ज्यादा नहीं है अभी, एट दिस पॉइंट नहीं है, फ्यूचर में बढ़ जाएगी। मुझे याद है जब मैं पहले इंडिया में आई थी तब मेरे को सर पे फिजिकली हाथ रखना पड़ता था किसी के, तब जाके उसका पेन हटता था। अब सिर्फ मैं बोलती हूँ अब पेन निकल बॉडी से बाहर, पेन निकल जाता है। सो उस समय मेरा इतना ग्रोथ हुआ था कि मैं फिजिकली सर पे हाथ रखूं तो उसका दर्द चला जाता है। अब मेरा ग्रोथ इतना हो गया कि मेरे सिर्फ सोचने से या बोलने से वो इंसान कितने भी किलोमीटर दूर रहे उस पर असर होता है। सो इट इज माई ग्रोथ। तो आज जो मेरा ग्रोथ है शायद फ्यूचर में और ज्यादा ग्रोथ होगा, बट इसी नॉलेज से ग्रोथ हुआ है। सो मैं इस नॉलेज के प्रति बहुत वफादार हूँ और मैं यही नॉलेज स्प्रेड करूंगी। अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है आप भी ये नॉलेज स्प्रेड करिए, इतना ही सिंपल है। पर इतना सोचिए मत कि मेरे बारे में कौन सोच, आपके बारे में नहीं सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा, सोचने दीजिए। रूपाली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सर्वेंट हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्णा जी की सर्वेंट हूँ, मैं तो रामू काका हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है मेरे बारे में कोई कुछ भी बोल बोलो। और ऐसे भी कुछ जरूरी नहीं कि मेरे को सब सबको मैं अच्छी लगनी ही चाहिए, नहीं लगती तो नहीं लगती, नो प्रॉब्लम। सो ये है डुअर मोड से हट जाना, दिस इज डिटैचमेंट। मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि मेरा ऑडियो सुन के लोग बोले कि अच्छा है हमको हेल्प हुआ, नो नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बहुत ऑडियोज है दुनिया में वो सुनो। सो दिस इज डिटैचमेंट। ये आप लोगों को भी सीखना है तो आपको पेन नहीं होगा। भगवान ने क्या बोला जब उनके साथ मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेम करते हो आपको पेन या दुख होगा ही नहीं। हमारे लाइफ में पेन और दुख रिलेशनशिप में इसलिए होता है क्योंकि हम मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम करेंगे तो सामने वाले का कुछ भी मैटर ही नहीं करेगा। जो मैंने उस समय जो आनंदिता है मेरा ऑडियो शेयर किया उसमें यही बोला ना, इट विल नॉट मैटर ओनली बिकॉज वी विल बी इन लव, वी विल वाइब्रेट लव इन, हमारे अंदर लव, हमारे बाहर लव, वी आर लव। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। और जब आप ऐसे सच्चिदानंद स्थिति में रहोगे, एकदम ब्लिस में रहोगे, तब तुम सब कुछ भी मैटर नहीं करता आसपास। सो ये अच्छा, लेट्स सी, जो लोग काफी चैंटिंग भी कर रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, ऐसा किसी ने फील किया है? मैं सिर्फ मैं बार बार करती रहती हूँ, आई वॉन्ट टू हियर, आप में से ऐसा किसी ने फील किया है जो पहले आप बहुत परेशान रहते थे अब उतना मैटर नहीं करता? कैन एनीबडी शेयर देयर फीडबैक प्लीज। Yeah, I would actually love to. उसके बाद मैं, हाँ प्लीज एक एक करके अनंतिता जो जो हैंड रेस करते हैं या जो नाम बोलते हैं प्लीज शेयर उनको बात करो। Please raise your hands. Yeah, you can start. Maybe you can start. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब से मैंने माँ के इस ग्रुप को ज्वाइन करा है और माँ के सेशंस को, माँ के बीजी सेशंस को सुना है, इट इज लाइक मैं इतनी इम्पेशेंस थी, इतना सा भी कुछ लाइफ में नहीं अचीव हुआ, रोना धोना एंड इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती थी। पहले तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, द मोमेंट व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब I don't know, I was destined or kuch. Yeah, I met Ma, I met this group. और इतनी inner strength आ गई माँ के ये session सुन के और chanting करके, जो भी spiritual practice माँ ने SBC का एक रास्ता दिया उसके through इतनी inner strength आ गई, till now I don't have job. But ठीक है, ऐसा लगता है हो जाएगा, सब ठीक है, कृष्णा जी देख लेंगे, मैं apply करूंगी, हो जाएगा, कुछ ना कुछ option आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। सो यस माँ, आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप
आई कैन ओनली से आई हैव गॉट दिस इनर स्ट्रेंथ इन माई लाइफ कि यस जो भी होगा सब कुछ सरेंडर करके आई विल विन द बैटल. थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Nidhi. We should rejoin. Hi, yes, ma'am. Yeah, we need to rejoin. We have less than 1 minute. And before we left for them. Manu, you can go. Yeah, hi. This is Sandhya here. So everybody saw what, you know, when I joined the group and, you know, what used to be my state of my soul strength and, you know, what used to be my condition in terms of being able to take the pain and suffering and balance out, you know, the other aspects of life. For the last 2 months, you know, there's been a remarkable, you know, upgradation, I would say, you know, day by day, not even, you know, it didn't even take 2 months time. It just happened in like a day. There was a 50-70% you know, growth in my spiritual state and my soul strength state. And immediately day on day, I could see how much I was recovering and was able to find a balance in, you know, the state of happiness and unhappiness and being able to decipher, you know, where it lies really, the balance. And after a point, not only did I gain the, you know, the basic soul strength state, but I started, you know, getting elevated, I felt. You know, not only was it a peaceful state, but I was growing day on day. And I could feel that I was going closer and closer to God. And, you know, my practices were helping me in rediscovering myself, my self-confidence, my original, you know, journey that I had set upon. I, you know, again reconnected with that. And I was able to manage, you know, the crisis situations that I was going through in terms of relationship and et cetera at that time. Radhe Krishna. Thank you, Sandhya. Next, Poonam. अरे इतनी जल्दी मेरा नंबर आ गया भैया, डबल साउंड आ रहा क्या? नहीं, ठीक है. ठीक है, क्योंकि मैंने दो डिवाइस से लॉग इन किया, एक से ऑडियो एक से वीडियो. मैं कल ही याद कर रही थी कि अगर ये ग्रुप नहीं होता तो शायद मैं हिमालय पे भटक रही हूँ शांति के चक्कर में. लेकिन जब से ग्रुप ज्वाइन किया, जब से तो मतलब प्रैक्टिसेस से इतना मुझ में है कि अभी कोई कुछ भी बोले तो अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता. अपने आप में कोशिश करती हूँ कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है. तो गुस्से पे तो बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया है. पहले तो मैं लोगों से बोलती नहीं थी, महीनों महीनों निकल जाते थे. अभी तो बहुत है, और मतलब मन में वो बेचैनी नहीं होती है. कोई कितना भी कुछ दुनिया हिली रहे, लेकिन मैं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश पूरी करती हूँ और हो भी जाती हूँ एक दिन दो दिन में. थैंक यू नॉलेज माँ का. हाँ माँ, अभी ना वो डबल रिपीट हो रहा तो मुझे ना खुद ही कंफ्यूजन हो रहा है. नहीं, कुछ नहीं, हम क्लियरली सुन पा रहे हैं. अच्छा, मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है. आप कहते हो ना स्मार्ट वर्क, इसलिए आज मैंने दो डिवाइस से लॉग इन किया, क्योंकि मेरा फोन मुझे परेशान करता है तो मैंने दूसरा फोन था उसको यूज कर लिया. गुड गुड गुड. Rachna, you can go ahead now. राधे कृष्णा माँ. भैया, अच्छा रचना. हरे कृष्णा माँ. मैं ग्रुप ज्वाइन करने के पहले मैं हेल्थ वाइज भी बहुत परेशान रहती थी. एंड हमेशा सोचती रहती थी कि क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है,
हमेशा विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड कंटिन्यू किसी भी प्रॉब्लम से इरिटेट हो जाती थी, बहुत एंगर इश्यू होता था। फिर जब से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मेरा हेल्थ बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। मैं बोलूँगी कि बहुत मीन्स कभी कभी कुछ इश्यू होते हैं, बट जब भी मैं माँ को इन्वोक करती हूँ और माँ का नॉलेज यूज़ करती हूँ, तुरंत रिलीफ मिलता है। पहले जैसे मैं रोती रोती थी, नहीं अभी वो सिचुएशन, गुस्सा आता है लेकिन तुरंत अवेयरनेस आ जाती है। पहले वो जो मंथ्स डे होता था, अभी मिनट्स में चला जाता है। सो बिहेवियर वाइज, हेल्थ वाइज सब कुछ चेंज हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू रचना। थैंक यू माँ, लव यू। लव यू टू। योविका, यू कैन गो नेक्स्ट। हरे कृष्णा, मुझे एक्चुअली अपने मौसी के बारे में बोलना है। वो अभी इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसने लता जी, तो वो ना, उनको पहले अटैक्स आते थे, मींस वो 15-15 डेज में शिविर और वो गिर जाती थी। उनको पड़ोसी आते थे उनको उठाने के लिए। कोई भी, हम लोग भी सबके फैमिली में, सब फैमिली मेंबर्स को बोला गया है कि कोई भी उनसे सैड बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना टेंशन लेती थी कि बीमार व्यक्ति को छोड़ के उनको संभालना पड़ता था। किसी की परिवार में डेथ हो गई तो उनको नहीं बताया जाता था, तो वो इतना टेंस रहती थी। और इस चैंटिंग में माँ से जुड़ने के बाद में, वो एक तो दिल से बहुत माँ को बहुत प्यार करती हैं, सुबह शाम माँ का हाथ अपने सिर पे रखाती हैं, शुद्ध नाम चैंटिंग करती हैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ के, और उसके बाद से उनकी चैंटिंग इम्प्रूव इंक्रीज ही होती जा रही है डे बाई डे। और वो इतनी कनेक्टेड हैं कि उनको अब किसी भी बात का, मतलब वो ग्रुप में भी जाना पसंद नहीं कर रही, वो बस यही देखती हैं कि मेरी चैंटिंग कहाँ पे हो सकती है। सो एज अ फैमिली मेंबर हम लोगों को बहुत ऐसे, मतलब वो सबको मोटिवेट भी करती हैं, क्योंकि उनके पास वही है जो अभी सबसे पूंजी है। एंड शी इज सो थैंकफुल फॉर एवरी वन कि वो ये सब कर पा रही हैं। सो थैंक यू माँ कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस लाने के लिए। राधे कृष्णा दी। तो वो जूम सेशन अटेंड कर पाती है क्या? हाँ, जूम सेशन वो सीख गई हैं, वो जूम सेशन अटेंड कर पाती हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, उनको मेरे तरफ से ढेर सारा पुच्ची और हग। थैंक यू मैम। वो है शायद स्नेहा लता जी, वो है, वो अनम्यूट नहीं कर पाती हैं, पर वो रहती हैं सब सेशन में। तो स्नेहलता जी या मौसी जी, आप जो भी चाहे, मैं आपको बोलूं ढेर सारा प्यार मेरा आपके लिए, ये ले जाओ। थैंक यू माँ, वो खुश हो जाएंगी बहुत। माँ हाँ, बोलो। मुझे भी ही कनेक्ट कर रहा है, उन्हीं के थ्रू कनेक्ट। उन्होंने मुझे हाँ माँ, कोमल को उन्होंने कनेक्ट कराया था मौसी जी ने। ओके, हाँ याद है मुझे, तो उन्होंने ही मुझे बताया था। और मतलब कि हमारी गुरु माँ है और उनका नाम ही मैं लेती हूँ और अपने सर पे हाथ फेरते जाती हूँ तो मेरा पेन चले जाता है बिल्कुल थोड़ी देर में। तो फिर उन्होंने ही मुझे योगिता दीदी का नंबर दिया, फिर मैंने योगिता दीदी से बात की और फिर मुझे भी, मेरे साथ भी यही समस्या थी कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। और मतलब मैं शादी होकर के आई थी, 6 महीने में मेरी ये हालत हो गई थी कि मतलब ऐसा लगता था कि कुछ बचा ही नहीं है अब जीवन में, इतनी ज्यादा मैं परेशान हो गई थी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी मुझे, हेडेक वगैरह वहीं से शुरू हुआ।
तो फिर जब मैं योगिता दीदी से बात करती थी तो मतलब मेरा पेन चला जाता था। मैं थोड़े थोड़े दिन में उनको फोन करती थी कि मुझे जब भी टेंशन आता था मैं बोलती थी योगिता दीदी मुझे टेंशन है इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो फिर दीदी ने मुझे नर्चर किया और मतलब अब ये स्थिति है कि कोई बोलता भी है तो मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है, मतलब इतना पेन नहीं होता है अब मुझे, और मतलब बिना मेडिसिन के मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सब आपके कारण है माँ, आई लव यू, लव यू टू, वेरी गुड। और पहले पहले मतलब मैं बोलती थी लोगों से पर क्योंकि मेरा सरेंडर इतना नहीं था तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन अब जैसे कि पूजा को ही मैंने कनेक्ट किया तो मुझे इतनी खुशी अंदर से हुई कि आप किसी को पैसा दोगे, थोड़ा बहुत दोगे, कपड़ा दोगे, कुछ खाने के लिए दे दोगे, वो इतनी सी खुशी होती है, पर आप किसी को डिविनिटी से कनेक्ट कर रहे हो तो वो मतलब मेरे को इतनी अच्छी खुशी फील हुई कि मैं चाहती हूँ कि मतलब और लोगों को फायदा मिले इससे जो पेन में है। बहुत अच्छा काम कर रही हो, कंटिन्यू करो अपना अच्छा काम, सब हम सबको दर्द से निकालने की कोशिश करेंगे तभी तो हम खुश रह सकते हैं। हम खुश दूसरा दुखी नहीं, सब ये आशीर्वाद है मेरा सबके साथ और हमें ये करना ही है, हमें थोड़ा 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 करके सबका दुख हटाना है, कोशिश तो करनी है, हाँ कोशिश करनी है हम सबको। जी माँ, थैंक यू माँ। हरे कृष्णा माँ, रिशु बोल रही हूँ। हाँ बोलो। Go ahead now. माँ, मैं जब पहले दिन योगिता से मिली तो मैं ना उनके साथ वॉक करती थी, मैं बातें तो करती थी। एक दिन मैं रोने लगी, अपने घर पे ही थी, मैंने पुणे से नोएडा ट्रेवल करना था, तो मैं योगिता जी के पास ना बिल्कुल रोती हुई गई कि मेरे को भगवान से मिलवा दो, मतलब ऐसा था मेरे मन में। और मैं इतना कांप रही थी और रो रो के मैं बोल रही थी कि मेरे को ना भगवान से मिलवा दो। तो उसी दिन से शायद मेरे को पता लगा था कि मेरे पास भगवान के मिलाप के लिए मेरी रूपाली माँ मिलने वाली है, शायद मेरे को आइडिया भी नहीं था। और जिस दिन से मैं इस ग्रुप में आई तो मुझे एक्चुअली पता चला कि कृष्णा जी की महत्वता का, अदरवाइज मैंने कभी मतलब बड़े सारे गुरुओं की पालना करी, सत्संगों में भी गई, पर मुझे ना इतनी क्लैरिटी कभी नहीं हुई। मतलब मैं कभी सोचती थी तो मैं गुस्सा भी आ जाता था, टेंशन भी हो जाती थी, पर जब से आपने आपके साथ मिली, आपने कृष्णा जी की हमें नॉलेज दी और उसका ज्ञान दिया, तो तब से मन बड़ा शांत रहता है। बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, अभी की जैसे हस्बैंड को कोविड हुआ, उस टाइम अगर पिछले टाइम वाली रिशु होती तो बहुत घबराती, रोती भी शायद। इस बार आपको समर्पित कर दिया कि जो कृष्णा जी देंगे वो सही देंगे, जो मैं डिजर्व करती हूँ वही देंगे, क्योंकि कृष्णा जी कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी वो कभी नो बॉल नहीं होने देते। आपने जो शिक्षा दी उसे इम्प्लीमेंट किया, थैंक यू सो मच माँ। आपने हमें कृष्णा जी से जोड़ा, आप हमारे साथ हो, आपकी आपका जब हम सर पे हाथ फील करते हैं तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया के सुख एक तरफ, मात का हाथ एक तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिशु। मनोज, यू कैन गो अहेड। Thank you. Hare Krishna, Ma. Hare Krishna. So, मैं काफी समय से स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस करता आ रहा हूँ, बट जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, संध्या ने मुझे पहला, आई थिंक अबाउट अ मंथ बैक शी आस्क्ड मी टू ज्वाइन वन सेशन, वन जूम सेशन, उसके बाद आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई कुड नॉट put my focus or put my mind into it. ठीक है, you carry, you like it, you carry on, but don't force me. मैं I have my own spiritual practices. फिर वो बैंगलोर से एक बार कॉल करके and I was going through some distress, obviously about my job and a few other things. So then she said, okay, try once more. Now just start these practices, SBC practices. And just try doing this without any expectation. You are anyway doing so much, you might as well do a little more, you will not lose anything. So I said okay, and 2 days 3 days continuously I tried,
then I started getting into the rhythm of it, and I started, for some vague reason, I started enjoying it. And of course, the rest is history. You know, the subsequent Zoom session, like I said earlier, I attended only from a learning perspective, but for some reason, the focus on me was on me. I had a lot of pain in my throat. You helped me, relieve that. You know, I broke down, all that happened. So the biggest change, Mehra is upset, is the, I'm able to connect to all my previous learnings. I'm able to relate to a lot of my earlier learnings through books, through a lot of listening sessions. मैं काफी लोगों के प्रवचन सुनता आया हूँ. इनफैक्ट वेरी वेरी फेमस यू नो प्रवचन्स ऑफ सम गुरुस, ऑफ कोर्स तेलुगु चैनल्स में जो यू नो पब्लिश होते रहते हैं. यू नो आई वेरी रेगुलरली फॉलो एंड आई एंड गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. बट द बिगेस्ट डिफरेंस नाउ इज आई थिंक यू नो आई एम एबल टू रिलेट very closely to all the learnings that I have. And two, magically, the issues that I've been carrying in my chest for a long time, they are now removed. I'm feeling extremely, extremely light. I'm feeling more and more motivated to do more spiritual practices. I think last week, it's not a question of number, but I think I'm very happy with the quality of time that I'm spending on these chants, or various other spiritual practices that you recommended on SBC contest. I'm very excited about about myself. My opportunities haven't changed myself right now. So कल को कोई rejection हो जाए या somebody comes and says Manoj you'll take some more time to find a job, I don't think I will feel shaken. I don't think I will feel disappointed. I'll only feel glad that I'll have so much more time, so much more dedication that I can spare towards these spiritual practices. So I don't think this would have been possible without spending so much time in all these practices, in participating in these groups, some WhatsApp groups, and a few other discussions. Thank you, Manoj. That's great. And I'm sure things will definitely work out in the job sector. It's just that initially Krishna ji keeps testing us. And he just wants to see that are we result oriented or right. Really tomorrow, tomorrow evening, I have a very, very important interview. I'm already feeling very positive about it. Positive about how I'm going to conduct myself. Not thinking about the result or the outcome yet, but very excited. Thank you. So all the best. Wish you all the best. This is what is the change. Instead of fear, it has been replaced with excitement. So this is the change. Very good. Thank you so much. Vira Pankal, you can share now. Hello. Yes, Uncle, go ahead. I will call it Darshe Chutti now. Rupali Ma, I will call it the Darshe Chutti. डर से छुट्टी. वाओ ग्रेट. हाँ लास्ट का डी निकाल दिया है अभी. नहीं ऑनेस्टली लाइक शुरुआत में आई नो आई वाज ड्राइविंग अनिंदिता एंड व्हाट्स रिंकू. हाँ रिंकू को तो मैंने बहुत क्रेजी ड्राइव किया. वो भी मेरे से थक गई थी बेचारी. लास्ट में अपने ये भी Unam. Anyway, thank you very much, all of you. Seriously, Anindita, I hope I would have listened to you first only when you said that start with the Bee Gees. Anyway, there I, Guru Sai. Thank you very much for everything. And believe me, my only worry was that
how will I clear my commitments to the people that I have committed? But without investing a single rupee, I'm able to get consultancy roles, generate enough funds and repay all concerns. I think इससे अब अच्छा क्या हो सकता है? Wow, that's great, uncle. That's really great. And you won't believe. I mean, how shall I thank you? You are just a group of angels. Suddenly, वो क्या बोलते हैं? Out of the blue, वो एक connection develop हो गया है और पता नहीं. As you said. हम सब क्या बोलते हैं पैदाइशी समय से ही सिलेक्ट करके आए हुए हैं कि 62 साल में रूपाली मिलेगी करके सो यू आर देयर कैन यू बीट इट एंड दैट टू थ्रू दिनयार तो वो भी डिसाइडेड था हाँ तो यू नो सब पूरा फुल सर्कल है बट एंड पुराने जो है सो काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए असाइनमेंट्स भी ओपन अप हो रहे हैं अभी नाउ वी आर डेवलपिंग सस्टेनेबल पैकेजिंग फॉर द रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री वी आर डेवलपिंग सस्टेनेबल पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तो और अच्छे कंसल्टेंसी रोल्स आ रहे हैं यू नो एंड दिस इज माय पेट प्रोजेक्ट सिंस आई स्टार्टेड ग्रीन टेक इन 2010 सो ऑल सेड एंड डन थैंक यू वेरी मच थैंक यू अंकल फॉर योर फीडबैक राधे कृष्णा मे यू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल ऑन दिस पाथ राधे कृष्णा दीपा राधे कृष्णा मां दीपा जी वो इंद्रनील का जिनका नाम ले रहे हैं उस हिसाब से एक एक करके बोलेंगे जी थैंक यू मां थैंक यू वीरा फांकर सो नाउ मनीष कैन यू काइंडली गो अहेड मनीष जी राधे कृष्णा मां भूमिका यस भूमिका गो अहेड हां मां मैंने भी बहुत चेंजेस फील किए हैं बहुत चेंजेस हुए हैं जैसे मैंने शिफाली को भी बताया था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट माय हस्बैंड्स जॉब जब उनके पास जॉब थी भी तब भी मैं बहुत रेस्टलेस रहा करती थी जबकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त लेकिन उस वक्त भी मैं बड़ी परेशान रहा करती थी मतलब किस चीज की परेशानी थी मुझे खुद नहीं मालूम होता था लेकिन बहुत लोअर इमोशंस हुआ करते थे फिर अचानक से ये प्रॉब्लम आई तो मुझे लगने लगा कि शायद इस प्रॉब्लम के कारण ये जॉब नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है लेकिन जब मैं फिगर आउट करती थी तो सोचती थी कि नहीं पहले भी ये प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ तो पता नहीं कुछ महीनों से ही मैं ये एक सोच रही थी कि मेरे लाइफ में कोई मेंटर आना चाहिए कोई होना चाहिए जो मुझे गाइड करे ये बात मैंने इवन शिफाली से भी शेयर करी थी कि जैसे कहते ना वो सच में यूनिवर्स ने मेरी वो बात सुन ली कि मुझे लग रहा था कि इस स्टेज में इतनी मतलब एज हो गए अबव 40 हो गए हैं अभी तक शायद पता नहीं कि कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है मतलब कहीं भी एक हैप्पीनेस ही नहीं मिल रही थी चाहे जॉब थी भी तब भी कुछ सच प्रॉब्लम नहीं भी थी तब भी तो एक वो रेस्टलेसनेस और वो हमेशा मेरे को फील होता रहता था तो कुछ महीनों पहले से ही मैं सोच रही थी कि सच में एक कोई मेंटर होना चाहिए कोई एक होना चाहिए हमें जो सही गाइड करे कि क्या है मैं तो कुछ कोई भी नॉलेज नहीं थी मुझे जो आपकी जब मैं पूरा सुनती हूँ स्पिरिचुअल पोस्ट और बीजी सेशंस तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या जिंदगी जी रहे थे हम कुछ भी नहीं पता था तो अब मैं धीरे धीरे उन चीजों को और इतने थॉट्स आते हैं माँ इतने थॉट्स आ रहे थे हर वक्त मेरे को मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था एक स्विच हो और स्विच ऑफ कर दूं मैं थोड़ी देर के लिए और मैं बिल्कुल ही कुछ ना कोई थॉट्स ना आए मेरे दिमाग में लेकिन अब जब मैं आप इतना बीजी सेशन सुन रही हूँ मतलब मैं बहुत तो नहीं सुन रही हूँ लेकिन जो भी मैं सुनती हूँ उसके बारे में काफी सोचती रहती हूँ उसके बारे में कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में
तो अब वो जो एक फियर की फीलिंग मुझे हर वक्त होती थी, जैसे आपने बताया डिटैच होने का उस दिन मुझे कि यू शुड गेट डिटैच्ड, तो वो चीज मैंने कहा वो धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, फियर और निगेटिविटी वो सब चीजें. अब मुझे जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मैं सीधे भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कि बस जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी भक्ति में ही अपना ध्यान लगाना है कि वो भक्ति मिले, तो मुझे पता है अभी तो बहुत इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन कहीं ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा चेंजेस फील हो रहे हैं अपने, बहुत जो पहले इतने थॉट्स आते थे मुझे और चीजों की समझ नहीं थी मुझे, अब वो चीजें समझ में आ रही हैं. एंगर इवन एंगर भी. लव यू माँ. थैंक यू सो मच. लव यू टू. राधे कृष्ण. राधे कृष्ण. राधे कृष्ण. अल्पना जी के फादर इन लॉ की आज डेथ हुई है, बट बिचारी वो बाथरूम से जाके कनेक्ट करके कोशिश कर रहे हैं. तो अल्पना जी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्लीज वहां पे आप फोकस करिए, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है आपके फैमिली में और आपका फीडबैक इतना सब होने के बाद भी आप जूम सेशन जान कर रही हैं, ये इटसेल्फ इज अ फीडबैक, आपको अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज आप कंटिन्यू करिए. नेक्स्ट को नेक्स्ट कौन है? सुषमा जी. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. हाँ हरे कृष्ण माम. हरे कृष्ण माम. मैं इधर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पैरों में इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ चुकी है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये उसके बावजूद भी मैं जब SCS करती हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है मुझे उससे. इतना पहले मैं बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत रोती थी, जरा जरा सी बात पे डिस्टर्ब हो जाती थी, सब कुछ, लेकिन अब अपने आप को मैंने इतना इससे जुड़ने के बाद इतना वो पाया है कि हम स्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तकलीफ की वजह से मैं उतना नहीं ध्यान दे पाती, क्या करूं? ठीक है. नितिका आंटी का नाम लिख लो, इनका हम लोग केस करके देख लेंगे अगर इन्हें कुछ रिलीफ दे सके हम लोग. और एक चीज और कहनी थी माँ. हाँ, मुझे पर्सनली कुछ आपसे अलग से बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर पाऊंगी? हाँ श्योर, फोन से कॉन्टेक्ट करती हूँ. हाँ मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको कॉल करती हूँ, मेरे पास है शायद आपका नंबर. थैंक यू माँ. हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं ये संडे का इंतजार करती रहती हूँ. वेरी गुड. मैं करती हूँ. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेफाली नेक्स्ट यू. हरे कृष्ण माँ. हरे कृष्ण भैया. हरे कृष्ण. As you all must have known, like I've repeated it n number of times, ki group join karne se pehle, my mind was in constant thought, continuous bolta rehta tha, aur koi bhi kuch bahut jaldi trigger ho jate the, aur us trigger mein mahino, ghanto, shayad saalo nikal de, usne us din aisa bola tha, victim consciousness mein jana, choti choti baat pe bura lagna, bahut jaldi jaldi rona, aur bahut n number of cheeze thi, sab connected, self love nahi tha, bahut zyada attachment tha. बट धीरे धीरे सोल पीस पोस्ट पढ़ के वो मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था. सोल पीस पोस्ट एंड बीजी सुनना शुरू किया, देन संडे सेशंस एंड पीएन ग्रुप एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. अभी भी बहुत कुछ है लर्निंग बहुत, मतलब तो लगता है कि कितना कम टाइम है मेरे पास और इतनी सारी चीजें हैं, बट स्टिल इतना चेंजेस है, इतना पॉजिटिव चेंजेस है. अब दिमाग मेरा पूरा टाइम शांत रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आई स्टार्ट चैंटिंग. गुस्सा बहुत कम हो गया है, कुछ भी होता है तो आई फील लाइक ठीक है होने दो, आई डिजर्व दिस, आई एक्सेप्ट इट एज कृष्णा प्रसादम, कभी मैंने भी किया होगा. एंड थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड कि अब लगता है कि कितना लेट से क्यों मिले माँ से, शायद पहले मिल लिए होते, बट देन अगेन
कि मैं सब लिखवा के लाई थी टाइम एंड एवरीथिंग, सो आई नो एवरी आंसर्स टू माय क्वेश्चंस. मतलब वर्ड ही नहीं है माँ मेरे पास एक्सप्लेन करने को. अब बस लगता है कि जब आप सामने आते हो या कुछ होता तो बस सुनते रहो आपको देखते रहो. आई फॉरगेट एवरीथिंग. अब लगता है कि सब छोड़ के कहीं चले जाओ और बस बीजी सेशन सुनो, अभी कितना कुछ पढ़ना है करना है, ऐसा फीलिंग आती है. अब किस पे पीएचडी टाइप कर लूं, मेरा ये होने लगा है, एडिक्शन सा हो रहा है. वैसे पीएचडी लायक ही है नॉलेज अगर सोचा जाए तो. माँ मेरा तो मन करता है कि जी इसकी सारी सबको सोल पीस पोस्ट लेके इसको बुक पब्लिश करा के स्कूल्स में बटना चाहिए. मतलब शायद ये नॉलेज हमें पहले मिलती तो बहुत बेटर स्टेट में होते हम सब, लेकिन पहले कोई बताने वाला नहीं था. नहीं तो जब आंख खुले तब सवेरा तब सब तो अब स्प्रेड करते हैं, कोई बात नहीं. अब स्प्रेड करते हैं. और ऑलरेडी तुम अपने फैमिली में सबको इंट्रोड्यूस कर चुकी हो इस चीज को, सो ऑलरेडी योर वर्क. और हमारा पूरा ग्रुप ही ब्यूटीफुल है, हर एक इंसान इतने डायमंड है. बिल्कुल. अब तो आई फील एवरीबडी इज डायमंड. थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माँ. माँ हर्षिला ने चैट में लिखा है एक्चुअली. Harshila, are you there? You can say it also. I think you are waiting for some time. Anjali, Radhe, no. Radhe Krishna, ma. Radhe Krishna. मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरी लाइफ आने के बाद टोटली चेंज हो गई. मैं माँ से मिली थी 2017 दिसंबर में, 25 दिसंबर. It was the changing day of my life. जब मैं माँ से मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी. मुझे नहीं पता था कि माँ ही मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनी. उसके बाद मेरी ऐसा हुआ, मेरे फादर की डेथ हुई. मेरे हाथ से धीरे धीरे मैं भक्ति करती थी, कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं करती थी, बस करती थी क्योंकि बचपन से देखा था. वो छूट गई. भगवान के पास मंदिर में बैठ नहीं पाती थी, जाती थी, पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, पर बैठ नहीं पाती थी. अपने आप को जीना है, कैसे जीना है, बस कुछ कुछ नहीं करना, कोई शौक नहीं. मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद भी जॉब का शौक था, बट मैंने नहीं. हर्षिला ये वॉइस इज कटिंग. नहीं आ रही है, रोबोट जैसे आवाज आ रही है. सो बेसिकली तुम्हारे अबरडीन में तुमसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी लाइफ चेंज होगी. फिर तुम्हारे पापा की डेथ हुई, उसके बाद तुम्हारी सिचुएशन मतलब और खराब होती गई. और फिर तुम कोशिश करती थी पूजा पाठ करने की, लेकिन तुम बैठ ही नहीं पाती थी. फिर तुम्हारी मैरिज हुई, इतना तक हम थोड़ा बहुत सुन पाए. जी माँ, उस माँ अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी बेटर है. हाँ तो उसके बाद ये था कि मैं बिल्कुल खुश रहती ही नहीं थी. फिर लास्ट ईयर नवंबर में मेरी आपसे माँ से बात हुई, तो मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई. उसके बाद माँ ने कहा तू डरती क्यों है, रोती क्यों है, मैं हूं ना. बस वो दिन से आज का दिन है कि मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो गए कि मैं नेगेटिविटी जो सब में की थी कि ये नेगेटिव है वो नेगेटिव है, अब मैं सब में पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ. मैं कृष्ण भक्ति करने लगी हूँ, मैं बैठ के इत्मीनान से चैंटिंग करने लगी हूँ. भले कितनी भी करूं बट मैं करती हूँ तो दिल से करती हूँ. मुझे बीजी सेशन का एक्साइटमेंट होने लगा है कि जैसे बीजी सेशन आता है कि मैं जब तक सुन ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता कि नहीं मुझे सुनना है, ये मेरे लिए है. मैं किसी का दुख होता है तो उसके दर्द को समझ पाती हूँ कि हाँ ये है, उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, वो करने लगी हूँ. खुश रहने लगी हूँ, चेहरे पे स्माइल आ गई है मेरे, जो कि बिल्कुल लॉस्ट हो गई. मैंने हंसना छोड़ दिया था, मैं सिर्फ गुमसुम रहती थी, पर अब मैं खुश रहती हूँ. मैं बात करती हूँ सबके साथ, सबको मोटिवेट करती हूँ, मेरी मदर को मोटिवेट करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने लगी हूँ. मतलब माँ ने मुझे एक जीना सिखा दिया कि कैसे हैं. तो थैंक यू सो मच माँ.
I am nothing without you. Thank you, Harshal. I love you. Love you, ma. Okay, last one is Santoshi. Thank you for your patience. You can speak now. Radhe Krishna Rupali, ma. Radhe Krishna, Higher Beings and all group members. मैं बहुत दिनों के मैं बहुत थोड़ी बहुत इमोशनल हो रही हूँ आज वहाँ बिकॉज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला आज. हाँ. Yes, बहुत दिनों के बाद आज मुझे ये मौका फिर से मिला. मैं बहुत मिस कर रही थी एंड डेस्परेटली वेट कर रही थी कि इस दिन का कब मैं ज्वाइन कर पाऊँ फिर से. माँ आपकी जगह मेरे जिंदगी में कहाँ पे है मैं नहीं बता सकती. I have no words. Words भी छोटे पड़ जाएंगे वो सब explain करने के लिए. मैं कहाँ पे थी और मेरे अंदर क्या changes आए हैं वो मुझे पता है. जब मैं थी आप जब मैंने group भी join किया था तो हर बात में बस मुझे रोना ही आता था. मुझे कोई चीज मुझे अब बहुत गुस्सा आता था. मुझे हमेशा अपने problems के लिए अपने health के लिए कोई फिक्स सोल्यूशन चाहिए होता है कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए और मुझे तुरंत उसे रिलीफ मिल जाए क्योंकि मैं माँ कभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती थी. अब आपके नॉलेज के साथ मैं चीजों को एक्सेप्ट करना सीख गई और वो एक्सेप्ट करने से मुझे धीरे धीरे अपने एंगर इश्यूज पे काम करना मतलब काम कर पा रही हूँ. गुस्सा आता है लेकिन उस टाइम पे इमिडिएटली मुझे अवेयरनेस भी आती है. पेशेंस जो मेरे पास जीरो लेवल था माँ बिल्कुल जीरो लेवल आज मेरे पास है पेशेंस. मैं चीजों के पीछे भी बहुत सारे सिचुएशन आके गए मेरे साथ. अगर पुरानी वाली मैं वो ही होती आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं होता आपका नॉलेज मेरे साथ नहीं होता. आई डोंट नो माँ मैं क्या करती उस टाइम पे. बहुत सारी चेंजेस आई हैं माँ बहुत सारी चेंजेस. मैं चीजों को आज मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूँ. आज टफ सिचुएशन आ रही है तो एज मैं खड़ी होके उसको फेस कर पाई हूँ एंड ऑल इज बिकॉज ऑफ यू एंड योर नॉलेज. पहले मुझे जो भी कोई कुछ भी ज्ञान देता था लेकिन मैं उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी. लेकिन ये आप हो आपकी नॉलेज है जो आप इतने सरल वे में हमें एग्जाम्पल देके अपने डे टू डे लाइफ में समझाते हो कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है जो कोई नहीं बताता. ज्ञान सब देते हैं माँ लेकिन कोई इम्प्लीमेंट कराना हमें नहीं सिखाता है. जो हम ढूंढते भटकते रहते हैं लाइफ में कि कैसे अपने सोल्यूशन कैसे अपने प्रॉब्लम से हम निकले और वो सिर्फ आप ही करते हो माँ और वो भी इतने ईजी इतने सरल वे में माँ. और बहुत मतलब इतने दिनों के बाद आज मैं आपका टोन भी सुन रही हूँ बात कर रही हूँ. मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा ये हो रहा है कि वो लग रहा है बहुत कुछ बोलूं लेकिन मेरे मैंने आ नहीं रहे हैं शब्द. मैं अपने जब आप बोलती हो कि किसी को मैं अपने मिनियर्स के डिजीज के लिए लेके बहुत परेशान थी. मैंने हमेशा सोचा कि मुझे ही क्यों अगर ये रेयर डिजीज है तो मुझे ही क्यों हुआ. मैंने ही अपना कान क्यों खोया मैंने ही ये क्यों किया. लेकिन आपके नॉलेज के बाद मैंने उस चीज को जब से एक्सेप्ट करना सीखा है ना मैं उसको ओवरकम कर पा रही हूँ. माँ पास 2 साल से इस पेन से मैं ऐसे गुजर रही थी. मैंने अपने लाइफ को बिल्कुल हेल कर दिया था अपने लाइफ अपनी फैमिली लाइफ अपने बच्चों के लाइफ सबके लाइफ को हेल कर दिया था. इवन मैं पर्स में मेडिसिन लेके घूमती थी एक वॉमिट वाली मेडिसिन एक एंटीबायोटिको वाली मेडिसिन एक पानी का बॉटल. वॉक के लिए घर से निकलती थी तो भी डरती थी कि मुझे चक्कर आ जाएगा अभी मुझे मिनियर्स का अटैक आ जाएगा अभी मैं उल्टी करूंगी अभी गिर जाऊंगी. लेकिन आपके नॉलेज के वजह से मैं आज स्ट्रांग हूँ. आज मैं डे टू डे थी बोले जाए थे अब सडनली देखा तो लॉग आउट ही हो गई थी मैं. कोई बात नहीं. हाँ तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तुम पीएन ग्रुप में फिर से वापस आओ और उसके लिए तुम मेहनत करती रहो. जैसे जैसे तुमने मेहनत की फेसबुक ग्रुप में वापस आई फिर जूम पे वापस आई तो वैसे ही तुम्हें पीएन में भी वापस आना है. और जो मेनियस डिजीज का है इंजनिल को भी मेनियस डिजीज बहुत सालों से था और वो मैंने पूरा क्योर कर दिया उनका.
और वो प्रैक्टिसेस के थ्रू ही वो पूरे कंप्लीटली क्योर हो गए। इंद्रनील भी आपके साथ बात कर सकती हो, वो भी तुम्हें गाइड कर सकते हैं, तो तुम्हारा भी पूरा तरह से क्योर हो जाएगा वो। मुझे पता है वो कितना डेंजरस है, वो डिजीज कितना डेंजरस है। 25 इयर्स उन्होंने सफर किया इस डिजीज से, सो ये होगा तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। नहीं माँ, थैंक यू। नहीं माँ, मैं आपके शरण में हूँ माँ, आप थैंक यू मत बोलो माँ, हमें ग्रेटिट्यूड थैंक यू सब छोटे पड़ जाएंगे, सब छोटे, कुछ नहीं है माँ, हमारे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए जो आप कर रहे हो माँ, कुछ नहीं है। चलो मिलजुल कर हम सबको हेल्प करेंगे ना, तो तुम फटाफट एकदम खड़ी हो जाओ एकदम स्ट्रांग, तो फिर हम और लोगों को हेल्प करेंगे। यस माँ, ठीक, थैंक यू डियर, लव यू। Love you, ma'am. Shreyashi, you can go now. Yeah, hi all. So I have always given some feedback. So I was thinking ki again I will say and then everybody will say ki hamesha hi bolti rehti hu main. But because I am even I'm feeling all the changes, that is why I was supposed ki mujhe dena chahiye feedback. So as such I was never being a बहुत गुस्सेल वाली नहीं थी, या ऐसे कभी थी इश्यूज नहीं रहते थे, बट थोड़ा पैरानॉइड या एंजाइटी रहती थी, जज बहुत करती थी मैं लोगों को। तो आफ्टर ज्वाइनिंग द ग्रुप आई आउट ऑफ नो वेयर लास्ट लाइक कल ही परसों मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम बहुत कूल हो गई हो, तो इवन आई फील कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता, दो मैं बहुत आई शुड एडमिटेड कि मैं बहुत ज़्यादा चैंटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, बट ये फ़र्क मैंने देखा या लोगों को फील हुआ हो आई डोंट नो कि मुझे लोगों ने खुद ने कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम बहुत कूल हो गई हो, मतलब अब बहुत टेंशन नहीं रहती है मुझे चीज़ों को लेके, तो बस एक यही छोटा सा फीडबैक देना था। एंड आई फील कि मतलब मैं और करती रहूँ या अच्छा लगता है मुझे सुनना करना, और मैं दिनों दिन आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज ऑल दीज थिंग्स ऑल द प्रैक्टिसेस। थैंक यू श्रेयसी, अगर इतने कम टाइम में इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे लगता है कि तुम सारे बीजी सेशन सुन लोगी तो एकदम अमेजिंग बन जाओगी, तुम्हें देखकर और लोग इस बात में अट्रैक्टेड होंगे। यस माँ, इवन आई फील दिस, तो अब तो काफी चेंज आ गया है, जैसे पहले मैं नेटफ्लिक्स वगैरह ब्राउज कर लेती थी, अमेजोन प्राइम वगैरह देखती थी टाइम पे, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि एसपी पोस्ट सुन लूँ या अदर वीडियो सुन लूँ या आपका बीजी सेशन सुन लूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, बट आई ट्राई नाउ टू चेंज ऑल माय फोकस फ्रॉम ऑल दो सब्सक्रिप्शंस टू यू नो कम्प्लीटली गो टू सोल पीस पोस्ट। तो मेरे रीसेंट सर्चेस में सोल पीस यूट्यूब पे अब ज्यादा रहते हैं अदर देन अदर चीजें रहती हैं, तो धीरे धीरे आई विल प्रोग्रेस, बट येस आई इवन आई फील, और सब मुझे ना एक्चुअली अब फर्क भी नहीं पड़ता है लोग ज्यादा क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, और लोग क्या मेरे अपने ही फैमिली में अगर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो मतलब मैं थोड़ा सा कूलर लेवल पे आ गई हूँ कि फर्क नहीं पड़ता वाले लेवल पे आ गई हूँ मैं, तो आई फील गुड कि शांत रहती हूँ, हो रहा है भाड़ में जाना तो टाइप्स वाला हो गया लेवल, तो ये फील मुझे अच्छा लगता है, और लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी किया और वो भी ऑफिस के लोगों ने, तो मुझे और भी मुझे लगा कि नहीं सच में मतलब मुझे नहीं बाकियों को भी फील हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आई विल जब वो कॉम्प्लीमेंट करे ना, जब कॉम्प्लीमेंट करे ना एक हाथ पोस्ट चिपका देना। अच्छा, मैंने कुछ किसी को बताया शेयर नहीं किया, बस मैं शेयर कर देती हूँ। आई थिंक लोग मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसी भी चीजें होती हैं, उनको समझाने क्या जाओ बनना है, तुम्हें स्पून बनना है ना, स्पून। जब देखो मैं अपना स्टोरी बता सकती हूँ कि जब मुझे कोई कहता था कि वाओ रूपाली तुम्हारा स्किन इतना अच्छा है, तुम्हारे बाल इतने अच्छे है, और तुम क्या करती हो, ऐसा क्या लगाती हो, तो मैं उनको बोलती थी देखो मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ, भी करो तुम्हें भी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यू शुड बी लाइक दिस कि तुम्हें जहां चांस मिलता है यू मोटिवेट पीपल ऑन द राइट ट्रैक, और झूठ भी तो नहीं है ना। नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो बस तुमको बोलना ये ज्वाइन करो, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करवा दो, बाकी शेफाली हैंडल कर लेगी। मैं भी प्रोफेशनली मैं बहुत ओपन नहीं हुई हूँ लोगों से कि मैं यहाँ पे बोलूँ, बट डेफिनेटली अगर फिर से कुछ इस तरह की बात होगी तो आई विल मेक श्योर कि आई विल सजेस्ट। अच्छा, अगर किसी ने इसके बाद तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट किया, या सपोज ऐसी बात में तुम बोले आजकल तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता, इतनी टेंशन भी नहीं होती, तो बोले क्यों क्या कर रही तू, अरे कुछ नहीं रे, वो सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया ना,
फ्री है वो, बस वो पोस्ट करती हूं। आई विल मेक श्योर कि आई विल ऐड देम। ठीक ठीक मैम, बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत चीजें समझ में आने लगी है कि मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस करती बहुत ज्यादा, बट अब मुझे बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई थिंक बहुत जल्दी आती है, या मेरा अपना परसेप्शन है, बट मुझे चीजें समझ में आने लगी है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों होता है, तो अच्छा लगता है। स्पेशली जजमेंटल वाले पार्ट पे हमें बहुत ज्यादा क्या, मैं नॉर्मली जज करती थी तो अब बिल्कुल भी नहीं करती है। कोई करता भी है तो मैं उसको समझाती हूँ कि तुम्हें उसकी सिचुएशन नहीं पता होगी, तो ये सारी चेंजेस है। प्लस दीदी तो है ही, मतलब शिफाली दीदी तो है ही, तो वो थोड़ा डंडा करती रहती है। नहीं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हां, थैंक यू। संजीका जी आप बता सकते हैं। थैंक यू राधिकृष्ण, थैंक यू बहुत बहुत काफी मेरे के लिए। मां से मिलने के बाद इतना चेंज है कि बोलने भी मतलब आवाज भी क्लियर है। नहीं आ रही है मा? नहीं, तुम हेडफोन यूज करो या मुंह के पास लाओ थोड़ा सा फोन। हाँ, अभी आ रही है मा? अभी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, उससे ट्राई करो। हेलो मा। हाँ, अभी बोलो। हेलो मा, थैंक यू फॉर मा, थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू बहुत कम बढ़े। पहले तो मुझे बहुत खुश था, कोई बोलता था इतना रोना आता था, बट जब से मैं माँ से मिली, मतलब 5 साल हो गए माँ से, तब से मतलब गुस्सा तो बिल्कुल मतलब अभी आता है, बट थोड़ा बहुत, और थोड़ा थोड़ा मकान वाले यूज करके लिए नकली बनना है, ये बनना बस ऐसे बोलती रहती हूँ, शांत रहती हूँ अभी थोड़ा बहुत, तो कभी कभी हो जाता है, मतलब अभी रोना बहुत कम हो गया है। पहले तो इतना रोना आता था, कोई बोलता था तुरंत, मतलब बात पे रोती थी, फिर बात कर मेरे से बात करने के बाद फिर उसके लाइफ में चेंजेस आने लगे, और अभी उसको इतना गुस्सा नहीं आता है, और अगर आता भी है तो मुझे इन्वोक करके अपने सर पे हाथ रखवा देती है, तुरंत वो दर्द, वो पेन, वो सारा गुस्सा उसका चला जाता है। सो अभी पहले से उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और अभी सर पेस में मैं ग्रुप में जॉइन हुई और पोस्ट पढ़ती हूँ। कभी कभी मेरा मतलब माइनस दौड़ता रहता था, मतलब कोई पोस्ट पढ़ती है तो बहुत मतलब एनर्जी फील होती है, और कोई भी ऑडियो सुनती हूँ जिससे बहुत मतलब एनर्जी फील होती है, बस मुझे ऐसा लगता है बस मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं भक्ति चाहिए। थैंक यू फॉर माँ मैं आपसे मिलूँ, अब मुझे मतलब मुझे कुछ पता नहीं था भक्ति क्या है, कुछ भी नहीं, आज थोड़ा बहुत सीखी हूँ आपकी वजह से सीखी हूँ। थैंक यू फॉर माँ, और कुछ सीखना है, आई लव यू माँ, आई लव यू आपके लिए, पता है मुझे बहुत आज मौका मिला है, थैंक यू माँ, आई लव यू, मेरे पैर में कुछ नहीं है, पैर क्यों छूना, मेरे लगना है तो गले लगना है, थोड़ा कोरोना ठीक हो जाने दे अभी। कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ तो हम मिलेंगे। आपने प्लेसिंग किया तो मेरी बात भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है, बहुत आपकी प्लेसिंग इतनी मैजिक काम करती है ना, आपकी प्लेसिंग क्या बताओ मैम आपको, बहुत वेरी गुड। नहीं, तुम भी बहुत, आई लव यू मैम, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, मिलेंगे हम तो बाद, श्योर, ओके, टेक केयर, बाय बाय। I think हम लोग क्लियर डन सब हो गया ना। सुप्रिया वांटेड टू से समथिंग, दीपा जी लास्ट, हां फिर उसके बाद और कुछ है आनंदिता ऑडियोस, या वी विल एंड द सेशन? नो मा, वी हैड डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सो आप सुप्रिया के बाद वी विल एंड द सेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं ना, सो ठीक है, बोलो सुप्रिया। हरे कृष्णा मैम, कैसे हो आप? हरे कृष्णा, मैं बढ़िया एज यूजुअल। जब मैं सब लोगों को सुन रही थी ना, तो थोड़ा फनी है, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जो हमारी ये सेना है ना, ये इसमें
इसमें आप जामवन जी के जैसे जब सबके जो ट्रिगर्स है ना लोअर इमोशंस आप भाप जाते हो पहले, और वो चीजें उसके सोल्यूशन उसके पास पहुंच जाता है कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है इस पे तू वर्क कर। ये ऐसा है जैसे आपने सबका गुण आपको पता हो ऐसा। हाँ मुझे शैतानी सबकी पता रहती है। तो ऐसा है माँ। और मेरे लाइफ में तो जो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, एवरी वुमन, आई मीन आई वांट टू से दैट कि सेल्फ लव इज वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे लाइफ में मैं सब कुछ था, मुझे भगवान ने सब कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब आई वाज ब्लेस्ड चाइल्ड, एवरीथिंग वाज देयर। बट शादी के बाद जो चेंजेस होती हैं लाइफ में, आपकी जिंदगी सडनली बदल जाती है और फिर चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है। इन सब चीजों में ना हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं, स्पेशली वुमन भूल जाते हैं कि वो क्या है और वो क्या कर सकती है। बच्चे आने के बाद तो वही टाइम आपने लाइफ में आए जब मुझे जगाया, बेटा उठ जा बहुत रह लिया, नाउ गियर अप। तो यही था माँ, आई एम फील वेरी वेरी फीलिंग नाइस एंड ब्लेस्ड। ओके थैंक यू सो मच सुप्रिया, लव यू माँ। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड टू थ्री डे बैक, दैट मेरी एक फ्रेंड है शी कॉल्ड मी, और उस दिन थोड़ा सा मुझे कुछ अलग सा फील आया। बहुत पुरानी दोस्त है बट मतलब अच्छा है, हमारा टर्म्स अच्छा है उसके साथ। तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी लाइक फिजिकली, और लेडीज प्रॉब्लम थी उसे। तो शी वाज लाइक शेयरिंग विद मी कि देखो मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो जब वो मुझे शेयर कर रही थी ना, मेरे को अजीब सा फील हुआ, जैसे मेरे पूरे बॉडी में झंझनाहट सी फील नहीं होती, पूरा गूज़बम्प्स आ रहा था, मेरा गर्दन ऐसे वो हो रहा था जब वो मुझे वो सब चीजें बोल रही थी। अब अपने आप ही ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत डीपली उस बारे में सोच रही थी, बट मैं उसको सुन रही थी और मैंने उसको गाइड किया कि जो मेरी गायनी है जिससे मैं करती हूँ, तुम जाओ उसके पास दिखवाओ, ठीक हो जाओगे आप, लाइटली मत लो, ये होता है जनरली वुमेन्स के साथ। तो मैंने उसका नंबर दिया और बोले कि आप जाके दिखवाओ उससे। उसके बाद उस दिन से अब तक मतलब मेरे को वो जो सिम्टम्स मुझे बता रही थी ना, मेरे को खुद अपने अंदर वो फील हो रहा है, लाइक कमर में दर्द होना और ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे जैसे पीरियड्स के टेंडेंसीज होते उस टाइप से अलग से लगा। और अब उसके बाद SCS किया और काफी मतलब खुद पे खुद का हीलिंग करने लगी, नो आई विल बी फाइन, जो भी डिसीजन एनर्जी मुझे फील हो रही है या जो भी है वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये सब चीजें मैं अपने आप पे ट्राई कर रही हूँ। लेकिन ये इफेक्टिव है भी, बट उस लेवल पे संभव मेरे को अनइजी फील हो रहा है आपके अंदर, वो क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम तो एम्पैथ बन गई हो, तुम कॉर्ड कनेक्ट हो गया तुम्हारा, तुम्हारा कॉर्ड को काटो उसके साथ का, बोलो मैं ऑल द कॉर्ड्स विद हैव बी डीलिंग राइट नाउ, उसका पेन को फील कर रही हो एज एन एम्पैथ, वो तुम्हें बंद करना होगा। सो मैं अभी के लिए मैं काट देती हूँ, मैं ऑल द कॉर्ड्स विच सुप्रिया फाउंड विद हर फ्रेंड बी कम्प्लीटली डीलिंग डिटैच्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड राइट नाउ, मैं सुप्रिया बी हील, सो वेट। देखो अगर सिम्टम्स परसिस्ट करे तो तुम योगिता को बताना, दो तीन दिन बाद फिर देखेंगे हम लोग। स्मिता का फीडबैक उसने दिया था, स्मिता अपनी मेड के बारे में बता रही थी, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल फीडबैक व्हिच शी हैड रिटन। स्मिता आप हो क्या? उसका शायद ऑडियो प्रॉब्लम है, तो तू ही बोल दे। हाँ माँ, इट वॉज रिलेटेड टू हर मेड, उसकी मेड की बच्ची का तबीयत खराब था, वो बेहोश थी काफी दिनों तक, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, एंड वो पानी पी नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो वो आके रोई थी स्मिता के पास। तो स्मिता ने फिर उसको मंत्र लिख के दिया था, हरे कृष्णा महामंत्र, एक पेपर में ही लिख के दे दिया, और वो जाके वो पढ़ी वो बच्ची के पास, तो बच्ची को 10 मिनट में होश आया और उसने फिर पानी पिया, फिर दूध पिया। अरे वाह, अमेजिंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट।
ठीक है, हम संध्या को देख लेंगे थोड़ी देर बाद। मनोज जो भी पैरानॉर्मल ग्रुप में है एक बार संध्या का केस कर लो, देख लो क्या प्रॉब्लम है। एंड बिफोर वी एंड दिस सेशन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो पूरा टीम है, मतलब मैं तो चलो ठीक है आप लोग मुझे देखते हो दैट इज फाइन, मैं नॉलेज देती हूँ एवरीथिंग, बट जो हमारी सेना है, जो जो टीम है जो आपके पीछे पड़ी रहती है कि अपडेट करो, प्रैक्टिसेस करो, डीजी सुना क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग, ये हमारा जो पूरा पैरानॉर्मल और वात्सल्य एम्पायर का टीम है, हर एक पर्सन जो कोशिश करता है कि आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करके रखने के लिए, सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वो लोग अगर आपके पीछे ना पड़ते तो कुछ दिनों बाद शायद आप लोग डाइल्यूट हो जाते। आप उतना मतलब वो खाना टेस्ट करने से पहले ही आपको रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाते। इन लोगों का बहुत इम्पोर्टेंस है। सो वेल डन ऑल ऑफ यू जो इतना पेशेंटली आप सबकी बातें सुनते हो, सबको मतलब अपना ईगो साइड में रखकर, सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखकर आप लोग जो कंटिन्यूसली मैसेज करके बोलते रहते हो इनको कि प्लीज अपडेट, ये वाला पोस्ट पढ़ा क्या, ये वाला बीजी सुना क्या, ये क्यों गलत कर रहे हो, वो क्यों गलत कर रहे हो, तो आप जो मेंटर्स कर रहे हो काम, दिस इज रियली अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल ऑल्सो। एंड टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो गॉड ब्लेस आवर एंटायर टीम एंड एंटायर फेसबुक ग्रुप ऑल्सो कि हम और प्रोग्रेस करें और लोगों को हेल्प कर सके, निस्वार्थ भाव से कर सके, कुछ भी रिटर्न में ना एक्सपेक्ट करें उनसे, और पावरफुल बने सो दैट नेगेटिव अपना सर उठा ही ना सके। माँ so, मुझे भी कुछ बोलना था। हाँ बोलो। माँ मेरा केस लेने के बाद फिर 15 दिन के बाद मैं क्वारंटाइन हो गई थी, मुझे कोरोना हो गया था। हाँ तो 15 दिन तक तो अभी मैं ठीक थी कल तक, लेकिन आज फिर से मुझे थोड़ा ड्राउजीनेस लग रहा है, फिर से मुझे वो दर्द, वो पेन, एकदम मैं सवेरे से उठ ही नहीं पाई हूँ। तो फिर हाँ तो वो तो मैंने प्रेडिक्ट करके बताया था ना आपको, पूनम ने बोला होगा कि आप अगर एसपीसी में नहीं कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करते हो तो आपका वो कम पड़ता है। मैं वो कर रही हूँ सब, आज भी मैंने सब किया है और मैं डेली, अभी तो मैं अलग ही रह रही हूँ तो मैं सब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे हरे कृष्णा का प्रसादन जो आपने बताया ना कि वो भी अच्छा लग रहा है कि शायद मुझे ये चांस मिला है, ये सब ध्यान से सुनने का, बिजी सेशन सीसी सब मैं सुन रही हूँ माँ, लेकिन आज से मुझे थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है, तो प्लीज थोड़ा ब्लेस कीजिए मुझे। ठीक है, मैं ब्लेस करती हूँ कि आपकी एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाए। हाँ। आपके अंदर जो भी डर्टी डिजीज्ड एनर्जी है वायरस से वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाए। मे यू बी कनेक्टेड टू राधा कृष्णा राइट नाउ, सो गुड सो गुड सो गुड। ठीक है, आप कुछ दिन देखिए, अगर आपको फिर भी परेशानी होती है आप पूनम को बोलिए, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। जी जी माँ जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू माँ, आई लव यू टू। आप एसबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए ये प्रिविलेज है आपको। थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया है माँ, और थैंक यू पूनम, वो मुझे बहुत इनकरेज करती है माँ। वही तो मैं बोलूं, ये सब लोग अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ के बैठते तो फिर होता नहीं, ये लोग कंटिन्यूअसली बहुत राह दिखाई है उन्होंने मुझे, मतलब एफबी पे कैसे करना है क्या करना है, इतना सपोर्ट करती हैं वो मैं बता नहीं सकती। आप भी अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिए माँ, मेरा हाथ आप सबके ऊपर हमेशा है और राधा कृष्णा का भी ब्लेसिंग हमेशा है, सब ठीक हो जाएगा। बस हाँ। अपने थॉट्स को अलाइन कर लीजिए, अगर कहीं पर डर वाली फीलिंग आ रही है तो खुद को बोलिए मैं ठीक हूँ, मेरे मैं हील हो चुकी हूँ, आई एम रिकवर्ड, ये बोलते रहिए अपने आप। जी जी माँ, हाँ माँ, थैंक यू माँ, लव यू, थैंक यू, लव यू। और किसी को कुछ बोलना है, वी कैन वी एंड द सेशन। हेलो, हाँ कौन बोल रहे? मैं देवश्री बोल रही थी, राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण, मेरा घर पे सब कोरोना हुआ है, मेरा बहुत डर लग रहा है, मेरा छोटी बेटिया का हो रहा है, मेरे पापा भी बहुत बीमार है, मेरा बहुत टाइम खराब जा रहा है। मुझे आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो
गुस्सा वाला फीलिंग था आज टाइम वो भी कम हो चुका है। ये आपका सेशन मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार है, मैं अकेली बेटी हूँ, बहुत बिजी रहती थी। तो अभी मैं परसों आके मेरे बेटी का भी कोरोना हो गई तो मेरे बहुत डर लग रहा है। देखो श्री आप भावना की कांटेक्ट हो ना? हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा आप आप SBCA में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं क्या? मम्मी मैं मामा एक्चुअली हो रहा है क्या ना, मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरा पापा इतना बीमार है, मम्मी भी बीमार थी तो मैं वही पे हर टाइम काम करने लगती थी। अचानक मेरा याद आता तो मैं सेशन का अटेंड कर रही थी, ऐसा हो रहा था मतलब टाइम टू टाइम हो नहीं पा रहे थे। अच्छा ठीक है, हम अभी ब्लेस कर देते हैं, लेकिन आप ट्राई करो कि रोज एक एटलीस्ट प्रैक्टिस करके ना आप अपडेट कर दो, एटलीस्ट एक कोई, उसको मैक्सिमम 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है कोई भी प्रैक्टिस, उतना टाइम निकाल। मैं भावना से सीख लूंगी, भावना से मैं ये कर लूंगी, मैं भी करती हूं देवश्री से आज बात। हाँ, और मैं ब्लेस करती हूँ आपके पूरे फैमिली को, मैं आई रैप माई सेल्फ अराउंड ईच वन ऑफ देम एंड मे ऑल द डर्टी डिजीज एनर्जी बी कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, मे दे बी डीलिंग फ्रॉम ऑल अनऑथराइज्ड नेगेटिव ब्लैक मैजिक कनेक्शन इफ एनी। मे राधा कृष्णा ब्लेसिंग्स बी ऑन द एंटायर फैमिली राइट नाउ, सो बिट सो बिट सो बिट। ठीक है, मैंने ब्लेस तो कर दिया है, बाकी आप चैंटिंग घर पे चला के रखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरा प्रणाम लेना। और आप जो सुपर क्लेंजिंग साधना है, सुपर क्लेंजिंग साधना वो अपने पापा के पास चला के रखिए। अच्छा, मैं भावना से सीख लूंगी, मैं भावना से सीख लूंगी। हाँ, अपनी बेटी के पास चला के रखिए, आपकी बेटी फटाफट ठीक हो जाएगी अगर सुपर क्लेंजिंग साधना वो सिर्फ लेटे लेटे भी सुनती है तो। और एक बात है, मेरी बेटी का ना एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरे बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत पढ़ाई तो कर रहे हैं बट कहीं एडमिशन करा नहीं पा रहे हूँ। 12th के बाद मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं। आपको संकल्प चैंटिंग करना पड़ेगा कि कौन सा चैंटिंग? वो संकल्प चैंटिंग, फिर वो भावना सिखा देगी आपको। माँ थैंक यू, प्रणाम लेना मेरा। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंजू काफी देर से हाथ ऊपर करके बैठी है, अंजू को चांद देके खत्म। अंजू चंद्र। हाँ अच्छा, हाँ बोलिए। उलझे हुए हैं सही में, अंजू जी बोलिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं तो सोची मेरी बात ही नहीं होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, सब परेशान है। तो मैं बहुत दिन से तो आपके साथ में हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ तो मेरा गुस्सा बिल्कुल नाके बराबर हो गया है। जो घबराहट टेंशन होती थी वो भी खत्म हो गई, चिड़चिड़ भी पॉइंट्स में रह गई, बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मुझे बहुत मजा आता है। अभी कुछ भी कोई भी बोलता है तो मुझे हंसी आ जाती है। हाँ, तो तूफान जैसे चैंटिंग करते हो, बाप रे मैंने काम देखा है आपका। तो अभी क्या, मेरी सुबह जो है माँ वो ऐसे साहित्य से होती है और रात में मैं राधा कृष्ण नाम लेते लेते सो जाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। इतने समय भी मैं बैठी रहती हूँ तो मुझे लगता है क्यों बात करें बेकार में, क्यों इधर उधर टीवी देखें कुछ करें, हरे कृष्ण चैंटिंग कर, मेरी चैंटिंग चलती रहती है। वेरी गुड एक्सेलेंट। आपने बहुत पहले मुझे, करीब साल भर हो गया मुझे आपसे जुड़े हुए, आपने बेटे के लिए बोला था मुझे 10 माला उसके लिए रोज डोनेट करना, तो मैं रोज करती हूँ और 6 माला अपने लिए करती हूँ शुरू से, और उसके बाद सभी जो भी है और सबको कर देती हूँ, करती रहती हूँ, जो भी एम्बुलेंस निकलती है उसको ब्लेस कर देती हूँ, जैसा जैसा आपने बोला था मैं करती रहती हूँ। तो कोई इम्प्रूवमेंट आया है आपके बेटे के सिचुएशन में? हाँ, अभी वो सुनता है मेरी बात, सुनता है अभी, वो जो अभी मुझको अपडेट करना नहीं आता है। अच्छा, वही करके देता है। हाँ, इसलिए मैं डेली अपडेट नहीं कर पाती हूँ, जब उसको टाइम मिलता है तो वो कर देता है, मतलब वो हैप्पीली करेगा। आज भी बोला, अरे मम्मी तुमने दिया नहीं मुझे, तुम्हारा अपडेट करना है, मैं फिर चला जाऊंगा, तुम्हारा रह जाएगा।
हाँ 4 बजे के पहले करना पड़ता है ना। तो खेलने को जाता है तो जाने से पहले 11:30 बजे बोला मम्मी मुझे दे तो जल्दी फिर मैं चला जाऊंगा तुम्हारा छूट जाएगा किया हुआ सब। हाँ वेरी गुड। आप कंटिन्यू करिए अपना अच्छा काम। जो भी कुछ काम करती हूँ आपका नाम लेती हूँ राधा कृष्ण का नाम लेती हूँ और मुझे जो आपके घर से छुट्टी है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत बार सुनती हूँ। अच्छा हाँ बहुत पसंद है मुझे बहुत बार सुनती हूँ जो ग्रीन कलर वाला है और सर्कल थ्योरी है ये मुझे बहुत पसंद है। जब भी कुछ होता है तो वो एंगल वाली बात मुझे ध्यान आ जाती फट से कलर वाली बात याद आती तो सब मुझे अपने आप हंसी आ जाती फिर ऐसा मतलब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नॉलेज का। वेरी गुड। कोशिश तो माँ मेरी पूरी यही रहती है मैं करूं। अभी कुछ कभी बेटे को तकलीफ हो जाती है बस मतलब जैसे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम खुजने लगती है कुछ उसका वो गले में कुछ प्रॉब्लम है बाकी तो ठीक है। आपके बेटे का भी केस हम कर सकते हैं। नितिका इनके बेटे का भी नाम लिख लो कि जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आपके बेटे का भी केस कर लेंगे। हाँ मैं लिखती हूँ। हाँ नाम बोलूँ क्या मतलब हमको पता रहेगा अंजू मौसी का बेटा इतना काफी। ठीक है मैं बहुत चाह रही थी आपसे बात करना लेकिन अभी क्या मुझे टाइपिंग नहीं आती है और अभी आपने जब आज बोला कि भाई हाँ हैंड रेस करो तो मैं कब से हैंड रेस करे बैठी थी। आपका हाथ दुख गया होगा। नहीं ना मैं रूपाली माँ बोल रही थी ना वो हाथ ऑटोमेटिक उसमें एनर्जी जा रही थी। अच्छा नहीं थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। आप लोग खुश रहिए आपके बेटे का भी केस करेंगे हम और वो सुषमा आंटी करेंगे। आजकल जैसे चल रहा है तो मैं बोलती हूँ यार इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो तुम्हें भगवान का नाम लो ना कृष्ण कृष्ण बोलो सब सही हो जाएगा इस टॉपिक की बात ही मत मैं सबको यही बोलती हूँ जो भी बात करता है ना इस टॉपिक में मत बात करो कृष्ण कृष्ण बोलो सब सही हो जाएगा। वेरी गुड बहुत अच्छा। उनको पागल समझते हैं पागल है हमने लाइन दो पागल ही सही। हाँ तो मैं पागल की बॉस हूँ ना पागलों की कोई बात नहीं हम सब पागल है। आई लव यू रूपाली मां। आई लव यू टू। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण। ठीक है सो आई थिंक सबने बोल दिया और कोई हाथ रेस किए हुए तो नहीं है प्लीज चेक। प्राची टू ने हाथ रेस किया था पता नहीं किस लिए। पीटू कुछ क्वेश्चन था क्या तुम्हारा? हाँ दर्द क्या तो उतार लिया। हाँ पीटू बोल लो फिर उसके बाद खत्म करते हैं। चल पीटू 7 बज गए तुम लोगों को SBC रिजल्ट का भी वो देखना है। चलो हाँ क्लोजिंग के लिए किया होगा ना वो थैंक यू बोल के एग्जिट मारेगी अभी। पीटू जल्दी कर रहे क्या सोच रही है आवाज नहीं आ रही है उसकी आवाज ही नहीं आ रही है वो डिस्कनेक्ट वाला मैसेज ढूंढ रहे होगे वो उसका हेडफोन थोड़ा दिक्कत करता है। कोई बात नहीं मैं थैंक यू बोल देती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर वासादी श्री वासादी गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच ऑल द हायर बीइंग्स फॉर ऑल द प्रोटेक्शन राधा कृष्णा फॉर द डिवाइन नॉलेज। थैंक यू फॉर ऑल द हायर बीइंग्स मास्टर्स स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो लोग भी हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इस नॉलेज को सबके पास पहुँचने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू इन फुल फेथ सो बेड। ठीक है सब लोग एंजॉय करिए रिमेनिंग वीकेंड और हम लोग SBC का रिजल्ट बनाए हमारे तो अभी काम और है और नेक्स्ट वीक के लिए एक्साइटेड रहिए फिर से और अच्छे से परफॉर्मेंस करनी है पिछले वीक से और बेटर परफॉर्मेंस करनी है। तो हरे कृष्णा लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय। हरे कृष्णा माँ। थैंक यू माँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा माँ। राधे कृष्णा माँ। राधे कृष्णा माँ। बच्चा बोल रहा है कौन सा छोटा बच्चा बोल रहा है हरे कृष्णा को भी राम बोल रहा है। अच्छा राम हरे कृष्णा।
राधे कृष्णा।